सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ये आप देख पा रहे हैं एसी का बेल्ट है, और एसी का बेल्ट जो ओरिजिनल होता है वो टूट जाता है, और ओरिजिनल टूट जाता है तो बाद में जो भी बेल्ट लगाता है बार बार टूट जाता है। तो अभी मेरा एसी का बेल्ट टूटा हुआ है और हम बेल्ट ले कर आए हुए हैं। एसी का बेल्ट ये ओरिजिनल नहीं है, पर क्या है कि इसमें 46 नंबर एसी बेल्ट लगता है, और हम जो बेल्ट लेके आए हैं वो 45 नंबर बेल्ट लेके आए हैं। अभी सब दिखाने वाले हैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से एसी बेल्ट को लगाया जाता है, किस तरह से फैन बेल्ट को लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने सारे सब्सक्राइबर को धन्यवाद देते हैं दिल से कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण आज मेरे चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और साथ साथ में गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन पिन भी आ चुका है। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो आपको देखना है। हम उस टॉपिक पे वीडियो लेके आता रहेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम बताने वाले हैं कि एसी का बेल्ट टूट जाता है तो उसको किस तरह से लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये एसी का जो बेल्ट है, ये नंबर जो लिखा हुआ रहता है एसी बेल्ट का नंबर, ये है इसका मायने मेन। ये 45 नंबर जो लिखा हुआ है ये मायने रहता है, बाकी उतना मायने नहीं रहता है। ये 45 नंबर लिखा हुआ है तो 45 नंबर इसमें लगेगा। इसमें 45 का लगता नहीं है, बट हम लगाएंगे। इसमें 46 का लगता है लेकिन हम 45 का लगाएंगे, क्योंकि 46 का बार बार तोड़ दे रहा है। और सेठ लोग क्या है कि ओरिजिनल ला के तो देता नहीं है, तो इसको तीन जगह पर चढ़ाना पड़ता है। फर्स्ट ये है, सेकेंड आप ये देख पा रहे हैं, और थर्ड जो है वो अंदर में है। थर्ड जो है वो आप देख पा रहे होंगे, ये है। ये तीन जगह पे चढ़ाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप जाली देख पा रहे हैं, अगर ये जाली को आप खोल देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है इसको चढ़ाने के लिए, और नहीं खोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इसमें बेल्ट चढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बताने वाले हैं कि फैन बेल्ट एसी बेल्ट को चढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। आप ये 17 नंबर का बोल्ट देख पा रहे हैं, इसमें 17 नंबर रेंच लगेगा। 17 नंबर का रेंच से आपको सबसे पहले इसको लूज करना है। सेकंड में ये 12 नंबर का, इसको लूज करने से आपका ये वाला लूज हो जाएगा। उसके बाद इसको लूज कीजिएगा तो ये एडजस्टिंग का है, इसमें आपको फुल लूज कर देना है। जितना ज़्यादा लूज करोगे उतना आसानी से आपका बेल्ट चढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले ये 17 नंबर को लूज कर रहे हैं। अभी ये, तो फ्रेंड्स ये लूज हो चुका है, 17 नंबर वाला बोल्ट ये लूज हो चुका है। अब 12 नंबर का बोल्ट पाना लेना है और आपको इसको लूज करना है। और ये भी लूज हो चुका है। अब हम बताएंगे इसमें किस तरह से बेल्ट को चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेल्ट को लगाने के लिए सबसे पहले आगे में लगाना है, इस तरीके से सबसे आगे वाले में। आप ये देख पा रहे होंगे सबसे आगे वाले में लगा है। उसके बाद इसमें आपको एडजस्टिंग वाले में नहीं लगाना है, सीधे इस वाले में लगा देना है, नीचे वाले में। तो नीचे वाले में अभी हम लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे का लग चुका है, अब ये सबसे लास्ट वाले में हम लगा रहे हैं। तो ये सबसे लास्ट वाले में भी लग चुका है, ये दोनों में लग चुका है। उसके बाद में आपको सिर्फ उठा के इसमें इस तरीके से लगा देना है। आप देख सकते हैं कि इसमें लग चुका है। अब इसमें करना क्या है, सिर्फ इसको पहले टाइट कर देना है, इसको टाइट कर देना है।
तो फ्रेंड्स बेल्ट को लगाने के बाद इसको सही तरीका क्या है टाइट करने का, अब आपको अभी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले इसको इस तरीके से ऊपर कर लेना है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये बोल्ट कितना ऊपर आ चुका है। उसके बाद ये बोल्ट को टाइट मार देना है और इसको भी टाइट मारना है। तो अभी हम बोल्ट पहले कस रहे हैं। फ्रेंड्स हाथ से जितना टाइट हो सकता है उसको हाथ से टाइट करना है, और जब हाथ से टाइट ना होने लगे तो आप रेंच लगा के इसको फुल टाइट करना है, बेल्ट को फुल टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ना है। और ये पूरा टाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये पूरा टाइट हो। तो गाइस एडजस्टिंग को टाइट करने के बाद उसकी इसको टाइट करना है, 17 नंबर बोल्ट को टाइट कर लेना है, आपको फुल टाइट मार देना है 17 नंबर बोल्ट, क्योंकि यही 17 नंबर का बोल्ट से ही एडजस्ट होता है लूज डील का। तो इसको सबसे पहले फुल टाइट मार देना है। तो फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे हैं मेरा एसी बेल्ट पूरा चढ़ चुका है और ये पूरा फुल टाइट हो चुका है। इतना एडजस्टिंग में लूज आपको छोड़ना है, इतना लूज छोड़ना है आपको, इतना छू के देख लेना, थोड़ा बहुत लूज छोड़ना है। तो फ्रेंड्स ये एसी का बेल्ट के बारे में तो अब आपको बता ही चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम बताने वाले हैं कि इसमें जो फैन बेल्ट होते हैं उसको किस तरह से मतलब लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स फैन बेल्ट को लगाने के सबसे पहले आपको ये खोल लेना है, जाली को आपको खोल लेना है। जाली खोल लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एलेंकी लगाए हैं। अगर आपके पास बिट रड है तो आप बिट एल रड से भी को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और बिट एल रड नहीं है तो आप एलेंकी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम एलेंकी लगाए हैं। और अब आप इसको पूरा फुल ताकत लगा के उठा देना, आप देख सकते हैं कि ये उठता है इस तरीके से। आपको पूरा उठा लेना है और बेल्ट को चढ़ा देना है, इसमें कोई एडजस्टिंग नहीं होता है, सिर्फ आपको इसको उठाना है। ये वाला पूरा उठेगा, यहाँ पे इसका ई लगाया जाता है, एलेंकी लगाया जाता है। अब क्या है, हमारा इस फैन बेल्ट तो टूटा है नहीं, तो हम फैन बेल्ट के बारे में फैन बेल्ट को तो खोल के हम दिखा नहीं सकते हैं, और आपको बस बता दिए। अब ये खोल के दिखा दे रहे हैं, ये मेरा एलेंकी खुल चुका है, और इस तरीके से इसको आप एलेंकी या कुछ भी लगा के आप ऊपर उठा के आप फैन बेल्ट चढ़ा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई भारी काम है नहीं।